देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में BA.5.2 वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो रहा। चीनी सरकार ने 2 स्वदेशी दवाओं को मंजूरी दी। चीन में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्ट्रेन BA.5.2 ने हाहाकार मचाया हुआ है। डेली बीस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आबादी में फैलने के साथ साथ तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है। चिंता की बात यह है कि मरीजों में इसकी पहचान नहीं की जा रही है, जिस वजह से यह आगे जाकर खतरनाक बन सकता है। ऐसा हुआ तो चीन समेत दूसरे देशों के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। इस बीच चीन ने 2 स्वदेशी दवाओं को मंजूरी दे दी है। ये ओरल मेडिसिन है और इन्हें माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन से जूझ रहे एडल्ट्स को दिया जाएगा। दिसंबर में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद से चीन में दवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। भारत में रविवार को कोरोना के 109 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में एक मरीज की मौत हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1842 केस एक्टिव हैं। महामारी की शुरुआत में अब तक देश में 503,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 4 करोड़ से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वर्ल्ड मैटर के मुताबिक दुनिया में अब तक 67,48,04,684 मामले सामने आ चुके हैं। 11 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में 61 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। ये दुनिया में कोरोना से होने वाली पहली मौत थी। इसके बाद मौत का सिलसिला बढ़ने लगा। अब तक 67,59,070 मौतें हो चुकी हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।